नमस्कार, मैं आयुषी गुप्ता ओएनए न्यूज से। आज मैं खड़ी हूँ गोल्डन ट्यूलिप में, जहाँ अवध कॉइन सोसाइटी के द्वारा कॉइन एग्जीबिशन कराया गया है। क्या इस एग्जीबिशन का उद्देश्य है, क्या विशेषताएं हैं और किस तरीके की यहाँ पे जानकारी दी जा रही है हमारी प्राचीन सभ्यता के बारे में, अवध सभ्यता के बारे में, और क्या कुछ यहाँ पर खास है, आइए आपको लेकर चलते हैं, आपको खुद दिखाते हैं और बात कराते हैं। यहाँ पे जो लोगों ने दुकान लगा के बैठे हैं, एग्जीबिशन लगा के बैठे हैं, उन्हीं से आपको बात कराते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे छोटे छोटे यहाँ पर इन्होंने अपनी अपनी दुकानें लगा के रखी हैं और दिखा रहे हैं, जो कि अवध के समय के बहुत प्राचीन समय के यहाँ पर सिक्के हैं, नोट हैं। और क्या इनकी सभ्यता है और क्या इसकी विशेषता है, क्या इसका उद्देश्य है यहाँ पर लगाने का, आइए आपको दिखाते हैं और बात कराते हैं इन्हीं से। सर बताएं इन सिक्कों के बारे में कि क्या यहाँ पर उद्देश्य है आपका यहाँ पर आज इस प्रदर्शनी का। ये हमारे देश की परंपरा है पुरानी, इसको हमने हमारे हिसाब से संभाल के रखा है और इसको लोगों को दिखा रहे हैं कि भाई देखो ऐसी चीज़ें कलेक्शन करने के लायक है, ऐसी चीज़ें कलेक्शन करने के लायक है। और इसे अपने देश की जो पुराने सिक्के, पुराने राजे महाराजाओं के, इसको संभालना हमारा ही काम है क्या, और इसी तरह हम यहाँ खरीदे और बेचने के लिए आए हैं। जैसा कि बताया जाता है कि अगर हमें किसी राजा के बारे में पता करना होता है, किसी उसके इतिहास के बारे में पता करना होता है, तो हम सिक्कों से देखते हैं, उसकी लिखावट, उसके अक्षर, उसकी बनावट के द्वारा पता करते हैं कि किस समय का है, किस इतिहास का है। तो किस तरीके का महत्व, इसका क्या उद्देश्य, इस बारे में थोड़ा बताएं। आज उसकी बनावट कुछ ऐसी है कि इतनी खूबसूरती के साथ बनाया हुआ है और उसे संभालना, और अंग्रेजों ने तो यहाँ से काफ़ी सारा धन लेके चला गया है, लेकिन जो कुछ बचा है उसे हमको इसे संभालना है और ये हमारा और आपका काम है। तो मैं इनसे बात करना चाहूँगी कि आज ये कॉइन्स के प्रदर्शनी में आए हैं, तो आप सर किस तरीके का मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि जैसा कि बताया गया है कि कॉइन्स ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें बताता है हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में, सभ्यता के बारे में, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं। ये न्यूमिस्मैटिक सोसाइटी जो पूरे देश में बना हुआ है, सिक्कों का संग्रह करते हैं, निजी लोग अपने हॉबी के माध्यम से इसको इकट्ठा करते हैं, और ये भारत में बहुत सारे परिवार पुराने समय से अपना संग्रह कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि इसी गोष्ठी में एक ही परिवार के तीन लोग यहाँ पर, जो पिता के बाद उनके लड़के और उनके नाती ने इस चीज़ को जारी रखा है। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें आती है कि ये जो हमको ये बताता है कि हमारी सभ्यता, हमारी प्राचीन काल कब से शुरू हुआ था, इस कॉइन के माध्यम से, सिक्के के माध्यम से, क्योंकि उसमें आपने सुना भी होगा कि अलग अलग प्रकार के सिक्के में उसमें छपता था, उससे उसका कालखंड मालूम होता था और उससे हमारा इतिहास का बहुत सारी चीज़ें मालूम थी जो आज अभी नहीं है। आज भी हमारे पास अभी बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ अभी हम ASI के द्वारा अगर उसका खुदाई करेंगे तो अभी बहुत सारी कुछ हमको निकल सकता है। और भारत की सभ्यता निश्चित तौर पर सबसे पुरानी सभ्यता विश्व में है और उसी को ये प्रमाणित करता है जो सिक्के जो आज हमको मिलके हम लोग के सामने कलेक्शन के रूप में आता है। सर जैसा कि स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, जैसा कि आप हेल्थ मिनिस्टर हो सर, स्वच्छता का जो एक उद्देश्य है तो वो हमारे स्वस्थ रहने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आपको क्या लगता है कि किस तरीके से हम स्वच्छ रह के या फिर एक मैसेज दे के हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। देखिए, स्वच्छता अभियान तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में प्रारंभ किया था, जब उन्होंने स्वयं एक झाड़ू लेके किसी एक मोहल्ले में जाकर दिल्ली में उन्होंने इसका प्रारंभ किया था। तब से स्वच्छता अभियान को गति देने के लिए ग्रामीण स्तर तक शौचालय बनाना और सभी को जागरूक करना, इसमें बड़े छोटे लोग को जागरूक करके उसमें एक अपना घर को न सरके बल्कि अपने गांव को भी स्वच्छ रखना, अपने शहर को रखना, अपने मोहल्ले को रखना, ये सारा योजना
केंद्र सरकार से बनने के बाद हम सभी नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि अपने मोहल्ले या अपना घर या अपना गांव को स्वच्छ रखना। और इसी से भी अगर, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी बीमारियां भी हुई हैं, प्रधानमंत्री जी ने फिट इंडिया के रूप में, योग दिवस के रूप में, जून 21 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में भी इसको कायम रखा है। तो सब मिला के ये सारे चीज़ हम लोग काम भी कर रहे हैं और हम लोग उम्मीद भी करते हैं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बैन करने के बाद भी इस स्वच्छता के अभियान में हम लोग और जागरूक रहेंगे और सक्रिय रहेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे कहना चाहूंगी कि सुरक्षा को लेकर, जैसे कि अभी कल राम मंदिर को लेकर जो फैसला आने की तैयारी हो रही है, तो सर वहां पर बहुत ज्यादा सुरक्षा को लेकर इंतजाम किए जा रहे हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे एकता को लेकर और ये चीज की शांति बनाए रखें, क्योंकि जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला होता है वो सर्वोपरि माना जाता है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जो भी होगा, इस देश के हर नागरिक को स्वीकार करना पड़ेगा। इसमें कोई विवाद नहीं रहेगा, कोई भी होगा। रह गया कि प्रशासन की बात है, क्योंकि संवेदनशील मुद्दा है, आज से नहीं, ये 160 साल से चले आ रहा है, इसलिए प्रशासन थोड़ा सतर्क रहता है, अन्यथा जो भी निर्णय आएगा उसको हम सभी लोग स्वीकार करेंगे। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, जिन्होंने राम मंदिर को लेकर एकता बनाए रखने को कहा और कहा कि जो भी फैसला आएगा वो सर्वोपरि माना जाएगा। वहीं उन्होंने स्वस्थ रहने के लिए यह भी कहा कि स्वच्छता पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ रहने से ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। कैमरामैन रवि के साथ आयुषी गुप्ता।